हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नव भारती फैमिली। मैं हूँ प्रिया शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 2, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक चीजें पढ़ ली थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ रहे हैं, हेडिंग डाल दीजिए कॉपी में। स्पेक्ट्रम क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि छोटी क्लासेस में भी हम लोग पढ़ते हैं कि जो व्हाइट बेसिकली कलर होता है, व्हाइट जो रेज होती है उसके अंदर से 7 रेज निकलती है वाइट ग्योर। ठीक है, और वो सातों की सातों जो किरणें हैं, रेज हैं, हमें बैंड पर दिखाई देती हैं, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ऐसे ही सेम जो है ना, एटम का भी एक स्पेक्ट्रम होता है। एटम भी जो है, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स जब निकलते हैं ना, तो वो भी अपना स्पेक्ट्रम बनाते हैं और उनकी जो रेज है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम उनको बोलते हैं, वो सारी की सारी क्या करती है, बैंड पर दिखाई देती है। तो आज हम उन्हीं की स्टडी करेंगे। आपने पिछले लेक्चर में बोहर का मॉडल पढ़ा था, तो जिन बच्चों ने वो मॉडल नहीं पढ़ा है एक बार वो पढ़ लें, क्योंकि नील बोहर ने ही इसके बारे में बताया था एटॉमिक स्पेक्ट्रम के लिए, कुछ उसने स्टडी की थी। तो चलिए बताते हैं क्या कहा था नील बोहर ने। नील बोहर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया, एक ट्यूब ली, बेसिकली एक ट्यूब ली, इसके अंदर डाल दिए गैसेस के मॉलिक्यूल, ये है गैस के मॉलिक्यूल, और नीचे दे दी उसने अपनी हीट। क्या दे दी, हीट दे दी। उसने क्या देखा कि जो हीट हम दे रहे हैं इन गैस के मॉलिक्यूल्स को, इनमें से एनर्जी निकल रही थी कुछ। ठीक है, एनर्जी निकल रही थी वो, और वो निकल रही थी रेज की फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में। तो देखो क्या हुआ, ये सारे के सारे यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व की। ठीक है, मान लो एग्जांपल के तौर पर जो इसमें रेज निकल रही है वो कौन सी है, वाइट प्योर, पढ़ते हो ना, वाइट प्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो क्या था, जो इसमें से निकल रही थी रेज वो थी ये सारी रेज थी वाइट प्योर। ठीक है, लेकिन जो हमें दिखाई दे रही थी इस बैंड पर, मान लीजिए हमें सिर्फ क्या दिखाई दी, या तो वॉयलेट दिखाई दी या फिर हमें दिखाई दी रेड दिखाई दी। मान लीजिए हमें सिर्फ आ तो सारी रही थी, लेकिन हमें दिखाई कौन सी दी, वी और आर। ठीक है, मान लिया हमने, तो ऐसे में आपको यहां पर स्क्रीन पर क्या दिखाई दिया, या तो वॉयलेट दिखाई दिया या फिर रेड दिखाई दिया, आपको सातों के सातों किरणें नहीं दिखाई दी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो पैटर्न है पूरा वो कैसा पैटर्न है, डिस्क्रीट पैटर्न है, यानी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ठीक है, अगर सारी की सारी जो रेज है हमें इस बैंड पर दिख जाती तो हम क्या बोलते हैं, क्या है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ कुछ जो है रेज दिखाई दे रही थी, निकल तो सारी रही थी पर दिखाई, मान लो हमें या तो वॉयलेट दिखाई दी या रेड दिखाई दी, तो हमें इसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट या फिर लाइन। अब ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है कि निकलती सारी है, दिखाई कुछ कुछ देती है ना, यहाँ पर पहुंच कुछ कुछ पा रही है, ऐसा क्या सिस्टम है। तो देखो क्या एक्सप्लेनेशन दिया नील बोहर ने इसके लिए आगे, चलिए देखते हैं, मैं इसको रब करती हूं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, फर्स्ट है, ये तो न्यूक्लियस है, देखो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है। ठीक है, मान लो मैं n इज इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक ले रही हूं। आप लोगों ने देखा था ना पिछले लेक्चर में, n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या एनर्जी थी, क्या थी एनर्जी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या एनर्जी थी, क्या थी भाई, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या एनर्जी थी भाई, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या एनर्जी थी, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतना एनर्जी हमारे पास थी। हुआ क्या, ये आपको पता है कि एटम का स्ट्रक्चर तो यही होता है। तो हमने जो गैस के एटम को हीट किया था ना, मान लेते हैं उसमें से एक एटम ये है, इसको हम हीट कर रहे हैं, नीचे से हम इसको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है अगर हम इसको हीट दे रहे हैं तो क्या होगा, क्या होगा, मान लो यहां पर मैं इस वाले की सबसे लोवेस्ट शेल है ना, मैं इसकी बात कर रही हूं, हीट दे रहे हैं, जो सबसे लोवेस्ट शेल है
उसमें यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने मान लिया यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हम हीट दे रहे हैं, सबसे लोवेस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसने एनर्जी ले ली, एनर्जी ले ली, एनर्जी लेकर सपोज करो उसके पास इतनी एनर्जी आ गई कि वो किधर चला गया, सबसे ऊपर वाली शेल में चला गया। आपको पता ना इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, ये बात पता है ना आपको, ठीक है। तो मान लो जंप करके ये कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, जंप करके ये यहां पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप देखो जब यहां से इसको एनर्जी मिली, एनर्जी ऑब्जॉर्व करने के बाद में इसने यहां से लोवेस्ट वाले से ये ऊपर वाले शेल में चला गया, इतनी इसको एनर्जी मिल गई, ठीक है। लेकिन आपको पता है ना कोई भी इलेक्ट्रॉन हो जाए, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, वो हमेशा क्या करता है, उसको हमेशा क्या चाहिए कि वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल पर रहना चाहता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर रहना चाहता है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे हम हो, हम भी क्या चाहते हैं कि हम लोग लोवेस्ट एनर्जी लेवल पर रहे। कैसे, आप मुझे एक बात बताओ, पहाड़ की ये चोटी है, ठीक है, आप यहां रहना पसंद करोगे या बेस पे रहना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स ये बात है, हम बेस पर रहना पसंद करेंगे क्योंकि यहां पर रहने में तो हमें बहुत डर लगेगा, ये हाइयर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है ना। तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है ना वो भी क्या है, लोवेस्ट एनर्जी में रहना चाहते हैं, लेकिन यहां पर तो ये हाइएस्ट एनर्जी है। तो ये लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि कुछ ऐसा हो जाए कि दोबारा हम कहां आ जाए, नीचे आ जाए, लोवेस्ट एनर्जी, जितनी हो सके हम लोवेस्ट एनर्जी पे आ जाए। तो क्या होगा, जब ये दोबारा नीचे आएगा ना अपने लोवेस्ट पोजिशन पर, यहां पर इलेक्ट्रॉन, तो क्या इमिट करेगा, क्या इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, क्या इमिट करेगा, एनर्जी। और जो ये एनर्जी होगी ना, ये जो एनर्जी होगी डेल ई, ये जो एनर्जी होगी बेसिकली एनर्जी इमिट होगी ना, वो किसके बराबर होगी, डेल ई बोलेंगे इसको, एनर्जी किसके इक्वल होगी, जितनी सपोज करिए यहां पर ये कौन सा शेल था, एन इज इक्वल टू वन का, यानी यहां पर एनर्जी ई वन की एनर्जी, ये लास्ट वाली किसकी एनर्जी, ई फोर की एनर्जी, ठीक है ना। तो अगर मैं मानती हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी इमिट्स, कितनी एनर्जी इमिट हुई, कैसे पता चलेगा कि जो ये एनर्जी है ना वो किसके बराबर होगी, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वापस अगर आया है तो कहां से वापस आया है, शेल कौन से शेल में चला गया था, वो एन फोर शेल में, कहां पर वापस आया है, एन फोर टू एन वन, ठीक है। तो जो एनर्जी होगी ना जितनी निकलेगी वो किसके बराबर होगा, एनर्जी ऑफ फोर से हम माइनस करेंगे एनर्जी ऑफ वन को, बात समझ में आई। तो इसको हम क्या बोल देंगे, डेल ई बोल देंगे, ठीक है। अगर कहां से आ रही है, अगर कहां से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, फोर्थ शेल से वन शेल के बीच में अगर आ रहा है, तो अगर एनर्जी इमिट हो रही है कौन से शेल से कौन से शेल तक, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर था, थर्ड शेल में था मान लो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वो एक्साइट होकर लास्ट शेल में आ गया, ठीक है। अब उसे दोबारा लोवेस्ट एनर्जी में जाना है, वो वापस इधर चला गया, लोवेस्ट में चला गया, ठीक है, वापस इधर आ गया, ठीक है। तो यहां पर ये n इज इक्वल टू फोर में था, फोर से ये वापस कहां पर आ गया, थ्री पे आ गया, थ्री पे था एनर्जी ली, फोर पर आया वापस एनर्जी इसने निकाल दी हीट की फॉर्म में, और वापस कहां चला गया, n इज इक्वल टू थ्री पे। तो यानी n इज इक्वल टू फोर से कहां चला गया, n इज इक्वल टू थ्री पर, ये एग्जांपल ले दूं मैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा एनर्जी का, डेल इज इक्वल टू एनर्जी फोर से हम एनर्जी लेवल थ्री को घटा देंगे। तो इस तरीके से एनर्जी निकलती है। दोबारा एक एग्जांपल दे दूं, सपोज करो यहां पर था शेल नंबर वन में था एक इलेक्ट्रॉन, एनर्जी मिली उसने, एनर्जी ली और कहां पहुंच गया, शेल नंबर टू पे, ठीक है। अब हाईएस्ट एनर्जी में तो इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, वो क्या करेगा, एनर्जी को वापस लोवेस्ट एनर्जी में जाएगा, वापस उसी शेल में जाएगा जिस शेल में वो था, लेकिन उससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन वो अपनी जो है एनर्जी लूज कर देगा, जैसे एनर्जी लूज करेगा वो वापस कहां पहुंच जाएगा, अपनी दोबारा उसी शेल में। तो यहां पर क्या था, एन इज इक्वल टू वन से यहां पर टू पर आया, फिर टू से वापस वन पर गया एनर्जी लॉस करके, तो यहां पर जो एनर्जी इमिट करी इसने आपकी बार, जो एनर्जी इमिट करी वो एन टू से एन वन पे गया, है ना, पहले तो वन से टू पर आया एनर्जी लेकर, फिर वापस जब वन पर गया टू से, तो एनर्जी इसने निकाल दी। वो एनर्जी जो निकाली है, कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हैं हम एनर्जी का, ये डेल ई क्या है, जो कि एनर्जी निकाल देता है, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकाल देता है वापस अपनी लोवेस्ट पोजीशन पर जाने के लिए, वो है डेल ई। तो अबकी बार डेल ई कितना आएगा, ए टू में से माइनस करेंगे हम ई वन पे, क्योंकि ये शेल नंबर टू से शेल नंबर वन पे गया था, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये चीज है, अब आपको ये समझ तो आ गया कि अभी जो एनर्जी निकल रही है वो क्या है। अब आपको मैं समझाती हूँ बैंड्स का, ठीक है।
जो भी एनर्जी निकल रही है यहाँ पर, तो हर टाइप की एनर्जी निकलेगी, लेकिन हमें दिखाई कौन सी देगी, जो 13.6 पे है, जो 3.4 पे है, जो -1.51 पे है, या जो -0.85 पे है, वही के वही बैंड्स जो है, वही के वही जो रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है, वही हमें दिखाई देंगी। सारी क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हमारे एनर्जी लेवल ऐसा थोड़ा ना रेगुलर है, हमारा एनर्जी लेवल ऐसा ही है, पहला कैसा है -13.6, दूसरा है -3.4, बाद में है -1.5, बाद में है -0.85, ठीक है। तो आप देखो बाद में कौन सा है -0.85। तो ऐसे आप देखो जब ये एनर्जी लेवल्स ही डिस्क्रीट है, छोड़ छोड़ के हैं, तो हमें रेगुलर पैटर्न कैसे मिल सकता है। तो ऐसे ही हमें उस जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया था नील बोर ने, उसमें हमें सारे के सारे पैटर्न नहीं मिले थे। पैटर्न वही मिलेंगे जिसका भी बैंड होगा, जिसका भी रेगुलर ऑर्बिट होगा, शेल होगी, एनर्जी लेवल होगा, वही हमें मिलेंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हमें कुछ कुछ ही जो है बैंड दिखाई देते हैं जिसका की एनर्जी लेवल होता है। बात आई समझ में? तो ये एक्सप्लेनेशन दिया था नील बोर ने। तो चलिए आप एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इससे आपके काफी कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर होने वाले हैं। तो क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम द शेल n is equal to 2 to n is equal to 1, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन एटम का है, जंप कर रहा है फ्रॉम शेल n2 टू n1, ठीक है। फाइंड एनर्जी एंड वेवलेंथ, एनर्जी और वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, दैट emitted by the that emitted in the form of radiations, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम पर, जंप कर रहा है फ्रॉम द शेल n इज इक्वल टू, शेल छोड़ दो, n इज इक्वल टू n टू शेल वन पे वापिस से वो जंप कर रहा है। फाइंड करो एनर्जी एंड वेवलेंथ That emitted in the form of radiations, ठीक है ना। रेडिएशन के फॉर्म में जो इमिट हो रहा है उसकी एनर्जी और वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। चलो तो करें क्वेश्चन, करें अटेम्प्ट, क्या रहेगा सॉल्यूशन इसका। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ईएनथ का हमने पढ़ा था हाइड्रोजन एटम के लिए, निकाला था पिछले लेक्चर में, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला रहता है हमारे पास। क्या फॉर्मूला रहता है, ये वाला फॉर्मूला रहता है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये एन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलो अप्लाई करते हैं इस पे। अब आपको पता है ये कौन, पहले सबसे पहले हम एनर्जी निकालेंगे फिर वेवलेंथ निकालेंगे। हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। अब ये एनर्जी पता कौन सी है, एनर्जी कौन सी है समझाऊंगा एक बार। हुआ क्या है क्वेश्चन में के ये तो न्यूक्लियस है हमारा, ये शेल नंबर 1 है और ये शेल नंबर 2 है। हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन पहले यहां था शेल नंबर 1 में, फिर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यहां पर, ठीक है, पहले यहां पर फिर यहां पर था, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या किया, वापस से वो लोवेस्ट एनर्जी पे आएगा, तो वापस वो उसने लोवेस्ट एनर्जी पर आ गया, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन हो या फिर कोई भी चीज वो हमेशा लोवेस्ट एनर्जी पर रहता है। सबसे पहले तो क्या हुआ, वो शेल नंबर 1 पे था, लोवेस्ट एनर्जी पर था, जैसे ही उसको हीट मिली वो चला गया एक्साइट होकर हाईएस्ट एनर्जी पर। फिर आपको पता है हर कोई लोवेस्ट एनर्जी पर रहना चाहता है, वो वापस से नीचे आ जाता है, लेकिन क्या करता है, वो इमिट करता है, क्या रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करता है एनर्जी को, ठीक है। तो ये एनर्जी पूछी है, जो इमिट हुई है ना वो एनर्जी पूछी है, और साथ में इसकी वेवलेंथ पूछी है, यानी लैम्डा पूछ लिया, ठीक है। तो हमें ये जो इमिटेड एनर्जी है ये पूछी है आपसे, ठीक है, और इमिटेड एनर्जी का फॉर्मूला रहा है कि, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था अभी कि हमने एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था। अब आप देखो ये कौन से शेल से वापस कौन से शेल में आया है, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे आया है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e2 माइनस e1, पता है ना। अब देखो क्या निकलेगा, e2 माइनस e1 फॉर्मूला पुट कर ले, -13.6 z स्क्वायर अपॉन
अब देखो ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, तो हाइड्रोजन का जेड कितना होता है 1, ठीक है, तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ 1 स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है एन की बात कर रहे हैं तो पहले 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 13.6, एटॉमिक नंबर दोबारा 1 का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ शेल, 1 की बात कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब देखो माइनस 13.6 क्या हो गया, ये 1/4, माइनस और माइनस प्लस 13.6, यहां पर टोटल 1 1 1 ही रहा, तो ये चीज आ गई। अब आप देखो इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कॉमन, यहां पर 13.6, यहां पर भी 13.6 कॉमन आ रहा है, निकाले 13.6 को कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचता है, 1 माइनस 1/4, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे इस पूरे टर्म को, तो क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 1 में से 1/4 जा रहा तो कितना बचेगा, 3/4, ठीक है। अब आप डिवाइड करोगे अगर 4 में से तो कितनी बार जाएगा, 4 3 12 और ये 3.4, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। आंसर कितना आ गया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी लिमिटेड एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी तो हमारी निकल गई इस फॉर्मूले से, कोई दिक्कत नहीं, कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से निकल गई, है ना। अब हमें निकालना है लैम्डा, यानी वेवलेंथ निकालना है। चलो निकाले, एक बार इसे कॉपी करो फटाफट, ठीक है, कॉपी करो इसको, फिर निकालेंगे लैम्डा निकालेंगे। तो देखो अब हमें निकालना है लैम्डा, क्या निकालना है, लैम्डा। आपको पता जो एनर्जी इमिट हुई थी उसको हम बोलते हैं डेल ई, और डेल ई का फॉर्मूला होता है HC/λ, ठीक है। तो H आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट है, C आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो अगर हम ये वैल्यू रखें, डेल ई की वैल्यू पता है ना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम निकाल चुके हैं, तो वैल्यू रख के देखते हैं, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, प्लैंक कांस्टेंट रख लेते हैं 6.636, 10^-34 जूल सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट रख लेते हैं 3×10^8 मीटर पर सेकंड अपॉन लैम्डा। अब ये आप देखो कितनी लंबी चौड़ी वैल्यू है, इतना टाइम होता ही नहीं है कॉम्पिटिशन क्लासेस में, तो आपको इस तरीके से नहीं जाना है, आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, डायरेक्ट क्या करना है, अगर आपको पता है ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, प्लैंक कॉन्स्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट भी कॉन्स्टेंट, इन दोनों की वैल्यू रखकर डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, डेल इज इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा, ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी वैल्यू आपकी, ठीक है, डेल इज इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट क्या करना है, एनर्जी की वैल्यू दे रखी है 12375, इन दोनों को निकाल कर ही आया है, लैम्डा रखा और वैल्यू आ गई आपकी। तो देखो अगर क्या हो हमारे पास, अगर हमें डायरेक्ट लैम्डा को निकालना पड़े, ठीक है, डायरेक्ट हमें लैम्डा को निकालना पड़े और हमें एनर्जी दी हुई ना हो, ठीक है। अभी तो हमें क्या एनर्जी दी हुई थी, तो हमने एनर्जी की हेल्प से निकाल लिया, लेकिन क्या हो अगर हमें एनर्जी दी हुई ना हो और हमें डायरेक्ट क्या निकालना पड़े, लैम्डा निकालना पड़े, तो हम कैसे निकालेंगे, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। आपके बुक्स में क्या होता है, डायरेक्टली फैकल्टीज बता देती है, पर हम लोग यहाँ पर उसे डिराइव करेंगे, करते हैं। सपोज करिए इलेक्ट्रॉन जंप किया है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है फ्रॉम एन इज इक्वल टू एन टू शेल से, फ्रॉम एन इज इक्वल टू एन वन शेल पर, ठीक है, एन वन शेल पर, ठीक है। यहां पर एन एक जगह तो है, एन टू एक है, एन वन, ठीक है। तो चलिए एक्सप्रेशन निकालते हैं, क्या होता है, डेल इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, बात समझ में आ गई है, क्योंकि यहां पर शेल टू से शेल वन पर गया है, शेल एन इज इक्वल टू टू से शेल एन इज इक्वल टू वन पे गया है, ठीक है। तो देखो डेल ई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा, पता है ना, जो इमिट होती है एनर्जी, जो निकलती है एनर्जी, वो क्या थी, डेल ई को हम बोल सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ई टू का फॉर्मूला माइनस 13 पॉइंट, यहां पर ई टू नहीं होगा, यहां पर होगा ई एन टू, यहां होगा ये ई एन वन, ठीक है। तो ई एन टू का फॉर्मूला क्या हुआ, 13.6 जेड स्क्वायर एन टू का स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन
N1 का स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई सारी की सारी वैल्यू। ठीक है, अब आप देखो मैं थोड़ा सा स्कोर सॉल्व कर लेती हूँ फिर बताऊंगी। HC अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, एक तो 13.6 कॉमन ले सकते हैं, एक Z हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, लेते हैं 13.6 जेड स्क्वायर, अंदर क्या चला गया हमारे पास, ये माइनस में, ये आ गया प्लस में, तो 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, माइनस 13.6 हमने बाहर ले लिया, ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अब सपोज करो अगर क्या हो हमारे पास, अगर हमें डायरेक्ट लैम्डा को निकालना पड़े, ठीक है, डायरेक्ट हमें लैम्डा को निकालना पड़े और हमें एनर्जी दी हुई ना हो। ठीक है, अभी तो हमें क्या एनर्जी दी हुई थी तो हमने एनर्जी की हेल्प से निकाल लिया, लेकिन क्या हो अगर हमें एनर्जी दी हुई ना हो और हमें डायरेक्ट क्या निकालना पड़े, लैम्डा निकालना पड़े, तो हम कैसे निकालेंगे? एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। आपकी बुक्स में क्या होता है, डायरेक्टली फैकल्टीज बता देती है, पर हम लोग यहाँ पर उसे डिराइव करेंगे, करते हैं। सपोज करिए इलेक्ट्रॉन जंप किया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है फ्रॉम N=N2 शेल से, फ्रॉम N=N1 शेल पर। ठीक है, N1 शेल पर। ठीक है, यहाँ पर N एक जगह तो है, N2 एक है, N1। ठीक है, तो चलिए एक्सप्रेशन निकालते हैं, क्या होता है, Del=E2 - E1। बात समझ में आ गई है, क्योंकि यहाँ पर शेल 2 से शेल 1 पर गया है, शेल N=2 से शेल N=1 पे गया है। ठीक है, तो देखो डेल ए की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होता है, HC/λ, पता है ना, जो इमिट होती है एनर्जी, जो निकलती है एनर्जी, वो क्या थी, डेल ई को हम बोल सकते हैं HC/λ इज इक्वल टू E2 का फॉर्मूला माइनस 13 पॉइंट, यहां पर E2 नहीं होगा, यहां पर होगा EN2, यहां होगा ये EN1। ठीक है, तो EN2 का फॉर्मूला क्या हुआ, 13.6 जेड स्क्वायर N2 का स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई सारी की सारी वैल्यू। ठीक है, अब आप देखो मैं थोड़ा सा स्कोर सॉल्व कर लेती हूँ फिर बताऊंगी। HC/λ इज इक्वल टू, यहां से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, एक तो 13.6 कॉमन ले सकते हैं, एक Z हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, लेते हैं 13.6 जेड स्क्वायर, अंदर क्या चला गया हमारे पास, ये माइनस में, ये आ गया प्लस में, तो 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, माइनस 13.6 हमने बाहर ले लिया, ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अब सपोज करो हमें क्या चाहिए ना, ओनली ये लैम्डा का एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ये जो HC है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भी भेज सकते हो, एक ऑप्शन ये भी है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आराम से इस पूरे एक्सप्रेशन को HC से मल्टीप्लाई कर दो, HC से डिवाइड कर दो, ये तो बहुत ही बेसिक सा बता रही हूं मैं आपको। तो इस HC से HC कट जाएगा, ये HC बच जाएगा, या तो ये कर लो या फिर क्या करो, थोड़े से बड़े बच्चे तो तुम हो ही गए हो ना, बड़े बच्चे बन गए हो तुम, तो डायरेक्टली तुम्हें क्या कहूंगी मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी इस HC को यहां निकालो, तो ये HC अगर नीचे आ जाएगा तो क्या बनेगा टर्म, 1 अपॉन λ = ये HC यहां पर आ जाएगा क्रॉस होके। ठीक है, तो ये हो गया, ये टर्म मिल गई, ऐसे करके आपको 1 अपॉन λ का एक सेपरेट टर्म मिल गया। अब आप देखो ये जो 13.6 अपॉन HC, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट ही तो है, H भी कांस्टेंट, C भी कांस्टेंट, 13.6 भी कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल R, क्या बोलते हैं, कैपिटल R, और कैपिटल R का नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, क्या नाम है, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन के आता है, नई तरीके से बात करें तो 1 अपॉन λ = R जेड स्क्वायर 1 अपॉन N2 का स्क्वायर 1 अपॉन L1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला निकल के आता है अगर कभी भी आपके पास एनर्जी ना दे रखी हो, डायरेक्ट लैम्डा निकालना हो। ठीक है, और R की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 13.6 अपॉन HC से
आगे चल के मैं आपको ना आर की वैल्यू भी बताऊंगी कि आपको कौन सी वैल्यू आर की पुट करनी है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आया ना समझ में, ये एक्सप्रेशन हमारा निकल के आ गया, कॉपी में आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, कॉपी में नोट डाउन कर लो आप लोग इस फॉर्मूले को। और आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं पढ़ा रही हूँ, ये अभी खत्म नहीं है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे और कंटिन्यू करेंगे, बट मैं लेक्चर को बहुत बड़ा नहीं करना चाहती हूँ, छोटे छोटे लेक्चर होंगे तो आप इजीली उसको कवर अप कर पाओगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच। जो आगे लेक्चर आएगा इसमें आगे मैं पढ़ाऊंगी, पार्ट टू होगा वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम का, तो उसको आप देखना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको भी आप देख लीजिए।